हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अपनी रेसिपी, वो है मेरी गार्लिक ब्रेड। और गाइस, ये बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है और इसको आप बेहद आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो एक बार वीडियो मेरी पूरी देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल के साथ आप प्लीज़ हमेशा जो है ना कनेक्ट रहिएगा। तो चलो देख लिया जाए ये गार्लिक ब्रेड किस तरह से बनाया है हमने। तो डो बनाना शुरू करते हैं। डो के लिए हमने ये दो कप मैदा ले लिया है और हमने ये ईस्ट लिया है। ये ईस्ट होममेड है और इसको बनाने में कुछ भी नहीं लगता, बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। इसके भी वीडियो हम आपको जल्दी दिखाएंगे। ये हमने सॉल्ट ले लिया है, गार्लिक पेस्ट लिया है, ब्लैक पेपर लिया है और थोड़ा पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम डो में हाफ टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे। इसमें हाफ स्पून हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। इसमें कम से कम 4 स्पून हम ईस्ट डालेंगे। ये होममेड ईस्ट है तो इसमें हमें थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, पर आपके पास अगर बाहर का ईस्ट है तो 2 स्पून से काम चल सकता है। ये हमारा ईस्ट हो गया, अब हम इसको मिलाएंगे। और इसमें धीरे धीरे बैचेस में करके हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे जिससे कि मिक्स करने में थोड़ी आसानी हो जाए। हम ज़्यादा रनी नहीं रखेंगे अपने डो को, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रखेंगे क्योंकि हमें ये अभी रेस्ट पे बिछोड़ना है। तो वो ईस्ट वर्क करेगा तो वो अपने आप थोड़ा रनी हो जाएगा। ये हमारा डो रेडी हो चुका है। ध्यान रखें, डो बनाते समय आप पानी धीरे धीरे करके ही डालें क्योंकि हमें ये रनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही होनी चाहिए, आप देखें बिल्कुल यही होनी चाहिए, बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। हमने ऑयल लगा दिया इस तरह से। अब हम इसको पैक कर देंगे इस प्लास्टिक फॉइल से। हम इस डो को 40 से 50 मिनट्स तक रेस्ट पे छोड़ देंगे और फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम गार्लिक और बटर का एक पेस्ट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें बटर, कोरिएंडर, गार्लिक के चंक्स और ओरिगैनो चाहिए। तो अब हम एक कटोरी में 2 स्पून बटर निकाल लेंगे। मेक श्योर कि आपका बटर रूम टेम्परेचर पे है क्योंकि फिर उससे थोड़ा ईजी हो जाता है उसको मिक्स करना। और अब हम इसमें ये गार्लिक के चंक्स डालेंगे। ओरिगैनो डालेंगे। वन स्पून। और कोरिएंडर। और अब हम इसको मूव कर लेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
और ये डो हमारा तैयार है। इसको अभी हम क्या करेंगे, हल्का हल्का ऑयल लगा के, और क्योंकि ये हाथ से आपके चिपकेगा तो इसके लिए आपको ऑयल लगा के ही इसको आगे का जो है ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और इसको अब हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर हम सूखा मैदा लगाकर इसको बल्कि हल्के हाथों से हम इसको ना बेल लेंगे। तो याद रखें, सूखा मैदा लगाकर ही इसको बेलें। तो इस शेप में हमने ये बेल लिया है। और यहाँ पर जो हमने बटर बनाया था ना, अब इसके हम बीचों बीच में रखेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ, आप उसी तरीके से लगाइएगा। और साइड साइड में इस तरह से आपको उसको बिल्कुल भी टच नहीं होने देना है, ठीक है? नहीं तो आप इसको जब बेक करोगे ना तो आपका जो है ना बटर मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, इस तरह से हमने लगाया है और साइड साइड में बिल्कुल छोड़ दिया हमने। और अब यहाँ पर हम इसके बीचों बीच में रखेंगे चीज़। यहाँ पर आप चीज़ अपनी मन चाहे चीज़ ले सकते हैं, गो चीज़ ले लें या फिर मोजरेला चीज़ ले लें या फिर जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ ले लीजिए। और बीचों बीच में चीज़ रखेंगे और ये ले लिया है हमने पानी। तो पानी से हम क्या करेंगे, साइड साइड में हम इसको ना इस तरह से पानी से लगाएंगे और इसको ना चिपकाएंगे, क्योंकि पानी से अच्छे से चिपक जाएगा और ये बैटर हमारा बाहर नहीं निकलेगा बेक करते समय, इसीलिए हम इसमें कोने कोने से जो है ना पानी लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये अच्छे से फोल्ड करने के बाद आप जो बचा हुआ बैटर है ना हम इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी इसके ऊपर, आप ये आपके ऊपर है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। और नाइफ की सहायता से अब हम इस तरह से इसके ना बीच में से कट लगाएंगे। तो इस तरह से इस साइज के हम कट लगाएंगे। और ये ले लिए हमने अवन ट्रे, और अब इसको अवन ट्रे में रखे इसको मैं अवन में ही बेक करूँगी। आप चाहें तो गैस पर भी इसको बना सकते हैं, तो मैं इसको अवन में बना के दिखाऊंगी, बहुत ही फटाफट बन जाएगा ये। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अवन में बेक करेंगे। यहाँ पर जो है ना गार्लिक ब्रेड अच्छे से बेक हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से जो है ना हमारा गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है।